हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं, पास में ही एक जंगल है वहाँ, और कोशिश करेंगे हम कुछ बर्ड्स पकड़ने की। तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, कैसे जाल बनाया जाता है, उसके बाद कैसे बर्ड्स उसमें आती हैं और कैसे उसमें फंसती हैं। तो मैं निकल चुका हूँ, जैसा आप देख सकते हैं ये मेरे गाँव का रास्ता है। आज बाइक पर नहीं हूँ, बाइक मैंने घर पर लगा रखी है। आप देखिए यहाँ मेरे पीछे बहुत सारी बकरियाँ भी हैं। घास सिर्फ पानी आने के बाद इधर बहुत सारे नए घास निकले। जो सीन है वो काफ़ी अच्छा है, आपको मैं एक बार रेयर कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइज हम पास वाले जंगल में आ चुके हैं, ये रहा कुछ व्यू, तो चलते हैं। जंगल में पहले से ही मेरे भाई और कुछ दो बच्चे हैं, वो वेट कर रहे हैं हमारा। एंट्रेंस में बहुत ही कम पेड़ है यार, बट फिर भी आगे चल के पेड़ थोड़ा ज़्यादा है, घना है जंगल। गाइस आप जैसा देख सकते हैं, मैं इस पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और मेरा पैर इसमें घुस गया, और देखिए बहुत सारा ब्लड उसमें लगा हुआ है। पैर मेरा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, लेकिन एक खुशखबरी है हमारे लिए कि हमने एक पौधा या सर्व कहें, जड़ी बूटी कहें, वो ढूंढ लिया है। ये जो है गाइस, ये है वो पत्ता। इसे अपने हाथ में, कभी भी आप जंगल में देखें तो इसे अपने हाथ में, अगर वुंड आपको आ जाए तो हाथ में ऐसे मसल के ऐसे, और इसको आप यहाँ से अपना घर से एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा ये। तो गाइस जैसा कि आपने पिछले सीन में देखा, मेरे पैरों में चोट लग गई थी और मैंने आपको एंटीसेप्टिक बताया, तो ये वो पेड़ का उभार था जिससे मुझे चोट लगी, इसे मैं नष्ट करने वाला हूँ। तो मेरे भाई, मेरे पैर में चोट लगी है तो उसी कारण मैं नहीं चढ़ पाता, तो मेरे भाई अभी कोशिश करेंगे चढ़ने की। का व्यू आप बताएंगे? कुछ नहीं, ज्यादा वैसा कुछ नहीं था, वो वहाँ पे हम देखने गए थे कि कितना दूर पे है अभी हम, तो पता चला कि लगभग हम लोग 1.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं अपने गांव से। हाँ, गांव से। तो हम यहाँ जिस चीज के लिए आए थे, बर्ड्स फंसाने, तो हम चलते हैं अपने मकसद की ओर। पहले जाल बनाना होगा हमें, ढूंढते हैं पहले कुछ टहनियाँ ताकि हमारा बेस तैयार हो जाए, लेट्स गो। वो मेरे भाई जा रहे हैं कुछ सीधी टहनियाँ ढूंढने के लिए, तो वो उन्हें मिल चुकी है। ये कट गया, इसकी सफाई। तो जाल बनाने के लिए जिस टहनी की हमें जरूरत थी वो हमें मिल चुकी है। ये काफ़ी हद तक सीधी है, इसी से हम जाल बनाएंगे। जाल का जो बेस होता है वही इसी से बनाएंगे। ये कट चुका है, तो हम इसको थोड़ा नुकीला कर ताकि जमीन में अच्छा से घुस जाए, पूरा दम लगा के। फिर हमें चेक भी करना है, ये मतलब इतना फ्लेक्सिबल हो ताकि अगर कोई भी हरकत हो,
कोई भी बर्ड्स अगर आती हो, यहाँ कोई भी हरकत हो या कोई भी प्राणी आता हो, तो ये ऐसा फंसा रहे और ये हिलने के बाद तुरंत ही ऐसे एक झटके में ऊपर आ जाए। हमको रस्सी चाहिए इस टाइप का, तो रस्सी लेने के बाद हम उसमें बांधेंगे, इसके एकदम टॉप में बांधेंगे। किसी तरह भी बांधना है अच्छा से, बस मतलब ताकि खुले ना, मतलब जो अगर जानवर फंसे तो उसकी हरकत से ये खुले ना, क्योंकि जब वो फंस जाएगा तो ताकत तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आएगी इसमें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल होगा। हाँ, तो उसको अच्छी तरह से बांध के, बांधने के बाद ऐसा हो गया, ठीक ना, ये राइट में फालतू, ठीक है। तो हमें कुछ टहनियाँ चाहिए होंगी एक, तो एक सेकंड, इतना छोटा हमको एक चाहिए फंसाने के लिए, ये आपके अराउंड इंडेक्स फिंगर के साइज का होगा, इसे आप बना ले। इतना बड़ा होना चाहिए, तो ये जो रस्सी है इसे ला के यहाँ पे दो गांठ लगानी है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना, फिर इसे खींच के फिर ये जो है हमारे इस टाइप में लगेगा, ये भी अंदर जाए, तो ये डैमेज है, आप लोगों का मजबूत लेना होगा। तो काफी मशक्कत के बाद मिल चुकी है, ऐसी सेम टहनी हमको चाहिए एक हाथ के साइज की दूरी में रखेंगे हम, हो गया। तो देख रहे हैं कैसे वो फंसाई जा रही है, देखिए तो गाइस जैसे कि आप तब देख सकते हैं कि वहां पे एक तीतर है, ये हमारा सेटअप, ये रस्सी है, इसी के अंदर जो बर्ड है वो फंसेगी। तो पूरा सेटअप देख लीजिए आप, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे वो रस्सी, तो ये जो सेटअप है ये पूरा पूरा तरीका से तैयार है। तो हम इस जगह अपने कैमरे को फिट करके घर चले जाएंगे और एक दो घंटे के बाद आके देखेंगे कि यहाँ कुछ फंसा है या फिर नहीं। तो हमने अपना जाल सेटअप कर लिया है, अभी हम जाएंगे घर और देखेंगे एक डेढ़ घंटे के बाद आके कि कोई बर्ड है या कोई भी चीज़ है वो फंसा है कि नहीं फंसा है। तो चलिए घर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं जंगल में, जंगल के ओपनिंग में है, जैसा आप देख सकते हैं हरियाली इधर बहुत कम है। तो अब हम जाएंगे अंदर और देखेंगे हमारे जाल के अंदर कुछ फंसा है कि नहीं फंसा है। तो लेट्स गो, हम कैमरे को नहीं देख सकते। फाइनली हमने जंगली तीतर पकड़ लिया है, इसके बाद क्या हुआ इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को हिट कर दिया हो, अगर नहीं किया तो जल्दी करो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल जाए।